व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो यहां पर दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं हवावे Y9A का। अब बेसिकली ये जो डिवाइस दोस्तों इसके काफी ज्यादा कमर्शियल्स चल रहे हैं इस टाइम पर और बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं इस डिवाइस को लेकर। तो यहां पर दोस्तों आज की डिवाइस में हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे एंड इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे, क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर दोस्तों इस स्मार्टफोन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो सारी बातें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले इस डिवाइस की जो खास बात है इसका लुक और डिजाइन है। तो सबसे पहले हम इसका लुक और डिजाइन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको इसकी स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा। तो यहां पर दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो लुक और डिजाइन है वो हमें हवावे के Mate 30 जैसा जो है दिया गया है। बैक पर आपको जो है सर्कुलर कैमरा देखने को मिल जाएंगे और क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो बैक पर दिया गया है। अब यहां पर दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप बैक पर दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा आपको जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यही शेप जो है हमें इन्फिनिक्स के नोट 7 में भी तकरीबन देखने को मिली थी एंड यही शेप जो है हमें नोकिया के 7.2 में भी जो है इसी तरह की तकरीबन शेप जो है वो देखने को मिली थी। अब फाइनली दोस्तों हवावे ने जो शेप दी है वो अपने Mate 30 जैसी दी है, तो हम इसको उससे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हवावे ने सबसे पहले जो है अपने Mate 30 में ऐसी सर्कुलर शेप वाले कैमराज को जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो हम यही कहेंगे कि हवावे ने जो है अपनी इनोवेशन को जो है बरकरार रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों डिवाइस का लुक और डिजाइन काफी खास है। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट पर जो है आप 6.63 इंचेस का बिगर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो आपको पॉपअप मैकेनिज्म का जो है देखने को मिल जाएगा और जो फ्रंट कैमरा दिया गया है वो आपको 16 मेगापिक्सल का जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस स्मार्टफोन का जो फिंगरप्रिंट है वो इसकी साइड पर जो है माउंट किया गया है, प्लस साथ ही में जो है आपको वॉल्यूम अप डाउन के जो बटन्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो सिम ट्रे दिया गया है वो हमें इस स्मार्टफोन के नीचे दिया गया है, जबकि सिम ट्रे जो होता है वो स्मार्टफोन के साइड पर होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमें जो है काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल जाती है। साथ ही में आपको जो है टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही में जो है आपको एक छोटा सा वॉइस का जो सेंसर है वो देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही में दोस्तों आपको जो है स्पीकर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों स्मार्टफोन का जो लोको डिजाइन है वो काफी अच्छा है। अब यहाँ पर हम इसकी स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको जो है 8GB रैम एंड 128GB मेमोरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन का जो मेन फीचर हाईलाइट किया गया है वो स्मार्टफोन का कैमरा प्लस यहाँ पर इस स्मार्टफोन का चिपसेट है Helio G80 का। यहाँ पर आपको जो है चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 2.0 GHz ऑक्टा कोर के साथ फिट किया गया है, जबकि ये जो चिपसेट है ये चीपर लेवल के डिवाइसेज में जो है यूज होता है। यही चिपसेट जो है आपको 25,000 और 26,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन में जो है आपको 4500mAh की जो है बिगर बैटरी देखने को मिल रही है, साथ में दोस्तों आपको जो है 40V का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तभी यहाँ पर जो है आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल रहा है क्योंकि टाइप सी का जो पोर्ट है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो है आपको 40V का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बेजल्स की बात करूं तो काफी बेजललेस स्क्रीन हमें यहां पर जो है देखने को मिल रही है। अगर मैं 8GB रैम एंड Helio G80 की परफॉर्मेंस की अगर बात करूं और वो भी हवावे में, तो मुझे ये लगता है कि ये स्मार्टफोन जो है अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी प्रोवाइड करेगा। स्मार्टफोन में दोस्तों एक मेजर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आपको जो है प्ले स्टोर नहीं देखने को मिलता, यानी कि गूगल प्ले सर्विसेज इस स्मार्टफोन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हवावे ने अपनी ऐप गैलरी को जो है थोड़ा सा इंप्रूव किया है और कुछ ऐप्स जो है अपनी ऐप गैलरी में उनका इंप्लीमेंटेशन किया है। जैसे कि दोस्तों यूट्यूब का ऐप अब जो है आप अपने स्मार्टफोन में चला सकते हैं और वो भी लीगल तरीके से। इसके अलावा दोस्तों गूगल से कनेक्टेड जितने भी ऐप्स हैं वो आप अपने स्मार्टफोन में प्ले नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐप गैलरी में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बैंकिंग के ऐप्स जितने भी हैं इजी पैसा के अलावा वो इस ऐप गैलरी में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये ऐप्स जो है इस स्मार्टफोन को सपोर्टेड नहीं है। इसके अलावा गूगल की अगर मैं बात करूँ तो गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज एंड यहाँ पर जीमेल और गूगल से रिलेटेड जितने भी एप्स हैं वो आपको इस डिवाइस पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेजर प्रॉब्लम है स्मार्टफोन का। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो स्मार्टफोन की जो प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट में 44,000 रुपए रिटेल प्राइस रखी गई है। अगर मैं होलसेल की बात करूँ तो यहाँ पर आप 1,000 या 1,500 लेस कर दें इसमें तो तकरीबन यही प्राइस जो है आपको देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन की। अब यहाँ पर दोस्तों प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन जो है वो काफी अच्छा है। ओवरऑल अगर मैं Nova 7i से कंपेयर करूँ इस डिवाइस को तो इस डिवाइस में डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको जो है IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पिक्सल्स दिए गए हैं 1080x2400 की पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन कलर्स जो है वो काफी अच्छे हैं,
किसी किस्म का कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आपको जो है इस डिवाइस में नहीं देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर मैं डिवाइस की बात करूँ तो डिवाइस के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ये समझते हैं कि प्ले स्टोर के बगैर जो स्मार्टफोन है वो बिल्कुल भी जो है काम का नहीं है, तो ये डिवाइस जो है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो जिन लोगों को ये गूगल प्ले स्टोर या गूगल से मतलब नहीं है, तो वो इस स्मार्टफोन को जो है बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। प्राइस स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ज़्यादा लगी है। उसका रीज़न ये है कि हुआवे ने जब अपने स्मार्टफोन में से प्ले स्टोर को निकाला तो उसके बाद दोस्तों इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों हुआवे को ये करना चाहिए कि अपने स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन तो ज़्यादा उन्होंने दी है, लेकिन प्राइस जो है वो काफ़ी अग्रेसिव रखनी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी कम प्राइस में ये डिवाइस आना चाहिए था, लेकिन 44,000 के बजट में इसका जो है रिटेल प्राइस अनाउंस हुई है। बहरहाल दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा और इसकी प्राइस कैसी है आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।